12 वोल्ट एलईडी फ्लैशिंग सर्किट। अब देख सकते हो एलईडी ब्लिंक हो रहा है, तो ये जो एलईडी ब्लिंक हो रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सर्किट के अकॉर्डिंग। तो अब डिले ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जितना भी आपको डिले ऐड करना है इसमें। ट्वेल्व वोल्ट एलईडी, 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 35 वोल्ट सम रेजिस्टर, 12 वोल्ट रिले। फर्स्ट जो रिले है उसे कनेक्शन को चेक करेंगे। जो रिले का इंटरनल कनेक्शन होता है, रिले के अंदर जो भी बिल्ट होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसका मैंने पूरा ओपन करके शो कर रखा है। तो ये आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा रिले का। तो आप इसके इंटरनल कैसे बिल्ड हो रखी है और कैसे वर्किंग है वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इस वीडियो में। तो अभी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रिले को तो आप उस वीडियो को जरूर फॉलो करो, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी इस रिले को देखते हैं। तो इसमें आप 5 पिन देख रहे होंगे, एक तरफ आपको 3 दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 है। फर्स्ट जो ये पिन है, ये जो साइड के पिन है, ये कॉइल होती है और ये दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है ये सेंटर वाले का। तो ये एज अ स्विच यूज होता है इसमें, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो फर्स्ट ये कनेक्टेड है इस वाले पिन से, आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। और जैसे ही कॉइल में दोनों पिन में सप्लाई जाएगा, ये स्विच कर जाएगा इसके थ्रू, तो फिर इसमें कनेक्शन बैठ जाएगा और ये कनेक्शन हटके यहां आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम सर्किट करते हैं रिले में, और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो सिंपल है, अभी कनेक्शन इसके साथ है पिन के साथ, ये सेंटर वाले का, आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। और जैसे ही सप्लाई इसमें जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे हम सर्किट को। तो सर्किट का नाम देख रहे हो आप, ये कॉम्पोनेंट्स आप फॉलो कर सकते हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट कॉम्पोनेंट्स है। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अगर आप कुछ एलईडी है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, उसमें अगर वो वैल्यू ज्यादा नीड है और या फिर कम नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप जो रजिस्टर है उसको वैरी कर सकते हो। जो ऊपर कैपेसिटर और रिले दिख रहा है, ये एज अ लगा है डिले सर्किट जो कि डिले प्रोवाइड कराएगा स्विचिंग में। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो इतना फास्ट स्विच होगा कि एलईडी में शो नहीं हो पाएगा कि वो ब्लिंक हो रहा है एलईडी। तो ये एज अ डिले काम कर रहे हैं आप। तो इसकी वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाने घटाने से हम जो इसका डिले है ब्लिंक करने का वो चेंज कर सकते। तो कनेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे बोथ कॉइल जो पिन्स है उसके अंदर। कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है कॉइल पिन में कंफर्ट के लिए। जो ये पॉजिटिव है कैपेसिटर का, वो किस साइड है, जिस साइड कनेक्शन इसका बिल्ट होता है। अगर आपको सर्किट डायग्राम नहीं फॉलो करना तो ऐसे आप फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका रिले है उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव रख रहे हो कैपेसिटर का, जिस साइड में कनेक्शन बाय डिफॉल्ट होता है। अब सर्किट में देख सकते हो, जो कैपेसिटर के पॉजिटिव से जो रजिस्टर जा रहा है वो कनेक्ट होके जा रहा है जो पिन कनेक्टेड है ना, जो पिन कनेक्शन हो रखा है वो, तो वो पिन ये है। तो यहां से रजिस्टर कनेक्ट करेंगे इसमें, कनेक्ट कर लेते हैं। 100 ओम का रजिस्टर है, कनेक्ट कर लेते हैं। तो रजिस्टर कनेक्ट हो चुका है पॉजिटिव से ये जो कनेक्शन है उसके बीच में। अब एलईडी कनेक्ट करेंगे। तो एलईडी देख सकते हो आप, एलईडी में एक रजिस्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड। तो एलईडी में पॉजिटिव साइड रजिस्टर कनेक्ट कर लेंगे। इस एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्म कर लेना, जो इस पे मार्क होते हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे, ये कंफर्म कर लेना एक बार जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड में मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया है, पर ये 100 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है। आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हो, तो सर्किट डायग्राम में 330 ओम दे रखा है, तो वो आपके जो एलईडी है उसको हार्म होने से बचाने के लिए यूज हो रखा है। अगर आपकी कम वाट की वैल्यू हो, जो एलईडी है वो कम वाट की हो, तो मेरे 12 वोल्ट चाहिए इसे, ये अप्रॉक्स इसे 12 वोल्ट चाहिए होता है, मैक्स भी एम्पियर भी ज्यादा है इसका। सो इसको और भी हाई एम्पियर पे यूज हो सकता है अगर हम हीट सिंक यूज करें तो इसका काफी ब्राइटनेस है, मतलब आप एक रूम एलईडी में इसको सिंगल यूज कर रहे हो तो इनफ है पूरे रूम के लिए। तो उतनी सप्लाई तो नहीं दे रहे अभी हम, अभी अराउंड 12 वोल्ट 1 एम्पीयर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। तो अभी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं इसे। तो आप सर्किट में देख सकते हो, जो एलईडी का नेगेटिव है और वो नेगेटिव होते हुए जो बैटरी का नेगेटिव है और जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, वो सब एक ही कनेक्शन हो रखा है ना। तो इनको हम एक ही जगह पर कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के पास, तो कनेक्ट कर लेते हैं। और जो एलईडी का पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा इस पिन से, ये कनेक्शन हो रखा होता है
आप सर्किट में देख सकते हो, जो जिससे कनेक्शन रखा है उससे दूसरे वाले में कनेक्ट हो रखा है, तो वैसे ही यहां पे इससे कनेक्शन होता है सेंटर का तो सेकंड वाले में कनेक्ट होगा। तो एलईडी कनेक्ट हो चुका है, सिंपल। तो आप देख सकते हो ये इस पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। जो इसमें सप्लाई प्रोवाइड होगा वो ये सेंटर में देख रहे हो आप, इससे यही जो स्विच हो रहा है इसमें पॉजिटिव सप्लाई कनेक्टेड है, जो बैटरी का पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है वो कैपेसिटर और एलईडी सबका नेगेटिव सेम है। तो इसके बीच में हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे 12 वोल्ट, और आपका 9 वोल्ट है तो आप 9 वोल्ट प्रोवाइड कर सकते हो, एलईडी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपको सप्लाई देनी है। आप 5 वोल्ट भी यूज कर सकते हो, बस आपको जो रिले है वो 5 वोल्ट लेना पड़ेगा, रिले 9 वोल्ट लेना पड़ेगा। जब 9 वोल्ट यूज करो, जब 5 वोल्ट यूज करो तो 5 वोल्ट लेना पड़ेगा रिले। तो अभी मैं 12 वोल्ट रिले दे रखा है मैंने, और 12 वोल्ट सप्लाई है मेरा एलईडी का, तो मैं 12 वोल्ट सप्लाई यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। सप्लाई ऐड करते हैं इसमें, तो मेरे पास यहां पे 12 वोल्ट पावर सप्लाई है। अगर आपको 12 वोल्ट और 5 वोल्ट या 9 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करनी है तो आप सर्च कर सकते हो, चैनल में वीडियोस पड़े होंगे। और अभी कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटर में और नेगेटिव नेगेटिव में। सप्लाई ऐड हो चुका है, अब इसको मैं ऑन करता हूं, फिर हम चेक करते हैं इसे। अब साउंड सुन से तो रिले का, ये जो डिले हो रहा है इसमें वो कैपेसिटर के थ्रू हो रहा है, ये चार्ज डिस्चार्ज के थ्रू हो रहा है, और रेजिस्टर इसे चार्ज होने में जो टाइम लगा रहा है वो टाइम है ये। तो ये 1000 माइक्रो कैपेसिटर है, आप ये रेजिस्टर इंक्रीज कर सकते हो या कैपेसिटर इंक्रीज कर सकते हो, दोनों इंक्रीज करोगे तो टाइम में डब डिफरेंस शो कर पाओगे। तो ये जो एलईडी ब्लिंक हो रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सर्किट के अकॉर्डिंग। तो आप डिले ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जितना भी आपको डिले ऐड करना है इसमें।